चलिए आइए इसी बीच शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का रण अब शुरू हो चुका है। आज जिला परिषद को जिला प्रमुख मिलने जा रहा है। 500 पंचायत समितियों को नए प्रधान मिलने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और प्रधान और जिला प्रमुख की चुनावी प्रक्रिया जारी है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कोटा से, जहां पर पंचायत चुनाव का रण जो है वो तैयार हो गया है। और आपको बता दें पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद को आज जिला प्रमुख भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि 500 पंचायत समितियों को ये नए प्रधान मिलने जा रहे हैं जल्द ही, और सुबह 10 बजे से चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रधान और जिला प्रमुख की चुनावी प्रक्रिया लगातार जारी है। अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कोटा से, जहां पर पंचायत चुनाव का रण जो है वो तैयार हो चुका है और आज इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, और पंचायत चुनावों का रण जो है वो तैयार हो चुका है और आज जिला प्रमुख भी मिल जाएगा, इस पर क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले बात करेंगे कोटा जिला प्रमुख, आज कोटा का जिला प्रमुख चुना जाना है। तस्वीर साफ तौर पर कैमरा पर्सन से कहूंगा जो आपको दिखाए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरी पुख्ता व्यवस्था कर ली है। मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर मेन गेट की जो एंट्री है उससे बाहर रखा गया है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आज 5 पंचायत समिति जो कोटा जिले की है उनको नया प्रधान मिलने वाला है, कोटा को जिला प्रमुख मिलने वाला है। इसके लिए बीजेपी से मुकेश वर्मा और कांग्रेस से गीता मेघवाल का नाम से है, और इन दोनों के लिए आज अगर बात की जाए तो ऐसे तो औपचारिकता होगी क्योंकि बीजेपी के पास 13 का बहुमत है, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 10 का बहुमत है। अगर तो कहीं ना कहीं अब स्थिति स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जब वोटिंग होगी तो दोनों ही पार्टियां क्रॉस वोटिंग के डर से भयभीत है, और यहाँ पर पूरी बीजेपी और कांग्रेस ने बाड़ाबंदी कर ली थी। अब तस्वीरें हम आपको यहाँ की तैयारियों की दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो भी प्रवेश करेगा उसकी पूरी चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद उसको अंदर जाने दिया जाएगा। साथ में सामने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, पूरी तरह से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है और जो कोई भी आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि टीएडी सर्किल से आने वाला जो मार्ग है उस पर से सुचारू रूप से यातायात चालू है, और यातायात के साथ साथ ही जो अंदर का जो परिसर है जिला परिषद का उसमें यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, बात भी करना चाहेंगे हमारे साथ। शहर पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन साथ मौजूद है। सर, किस तरह की तैयारी है सर, क्या बंदोबस्त है? जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच बड़ी खबर हम आप तक लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर दोपहर 1 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन दाखिल होने के बाद चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 3 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होंगे। बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कोटा से, जहां पर पंचायत चुनाव का जो रण है वो तैयार हो चुका है। 3 बजे से 5 बजे तक चुनाव होने हैं। जिला परिषद को अब जिला प्रमुख भी मिलने जा रहा है। बड़ी खबर कोटा से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 1 बजे से नामांकन दाखिल होंगे और नामांकन दाखिल होने के बाद चिन्ह आवंटित भी किए जाएंगे। 3 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होंगे। कोटा से बड़ी खबर वहां आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव का जो रण है वो तैयार हो चुका है। जिला परिषद को अब जिला प्रमुख मिलने जा रहा है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। और पंचायत चुनावों का अपडेट देने के लिए हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। आइए उनका ही रुख करते हो, जाने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो पंचायत चुनाव का रण है वो अब तैयार हो चुका है, क्योंकि अब जिला प्रमुख जो है वो मिलने जा रहा है। तो 4 जिलों में पंचायत चुनावों का रण जो है वो तैयार हो चुका है। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पर? अब यहाँ
पर जो बोटिंग होगी, बोटिंग के लिए यहाँ पर पूरा पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं और पुख्ता बंदोबस्त के साथ में यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी कोटा जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौर यहाँ पर चेकिंग के लिए आए और चेकिंग के साथ ही यहाँ पर पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के साथ में ही सब चीज सुनिश्चित की गई है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर 1 बजे तक यहाँ पर नामांकन दाखिल किया जाएगा और 3 से 5 बजे तक यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है शाम तक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी कि यहाँ पर जिला प्रमुख कौन बनने वाला है। मगर अभी फिलहाल के अतीत अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति यह है कि जी राजेंद्र, और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की गई है वहां पर, इस पर कुछ अपडेट? अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने कमान संभाली है। कई थानों का जाता यहां पर लगाया गया है। सामने की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और मेन गेट को पूरी तरह से यहाँ पर DST और जो स्पेशल पुलिस है और जो थानों का अतिरिक्त जाप्ता है वो यहाँ पर लगाया गया है। अगर यहाँ पर जो भी व्यक्ति अंदर जाएगा उसकी पूरी चेकिंग होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद में जुलूस नहीं निकाल पाएगा, कोई शोरगुल ना हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। शहर पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने हमें बताया भी था कि यहाँ पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में एक जरूर कहा था कि अगर इस तरह से कोई परेशानी यहाँ पर ना आए इसके लिए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी जी राजेंद्र, साथ ही कितने प्रतिशत इस बार वोटिंग की गई है इस पर कुछ अपडेट? अगर प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर वोटिंग का जो प्रतिशत था 67% रहा था, क्योंकि पंचायत चुनाव थे और पंचायत चुनाव में यहाँ पर BJP को काफ़ी अच्छी बढ़त भी मिली थी। क्योंकि अगर कोटा की बात करें तो कोटा में कई जगह BJP ने कब्जा जमाया है और कांग्रेस का सिर्फ एक प्रधान बनने जा रहा है, क्योंकि नईमुद्दीन गुड्डू इस चुनावी रण में, नईमुद्दीन गुड्डू पहले विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और कई बार उनको हार का सामना करना पड़ा है, मगर इस बार उनका प्रधान बनना तय है। अगर वो नामांकन दाखिल करते हैं तो लाडपुरा से वो प्रधान बन सकते हैं। साथ में ही अगर जिला प्रमुख की बात की जाए तो जिला प्रमुख के लिए मुकेश वर्मा और गीता मेघवाल के बीच में है, क्योंकि अगर स्थिति की बात की जाए वोटिंग के आधार पर तो यहाँ पर BJP का बोर्ड बनता हुआ दिख रहा है और BJP का जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि BJP के पास 13 का आंकड़ा है, वहीं कांग्रेस के पास 10 का आंकड़ा है, क्योंकि 10 जिला परिषद सदस्य कांग्रेस के जीत के है कि गीता मेघवाल को यहाँ पर जिला प्रमुख की दावेदारी के लिए कांग्रेस ने उतारा है। अब किस तरह के हालात होते हैं और किस तरह से कोई क्रॉस वोट होती है तभी गीता मेघवाल कहीं ना कहीं जिला प्रमुख बन सकती है। जी राजेंद्र, साथ ही लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग किसे इस बार जिला प्रमुख के तौर पर देखना पसंद करेंगे, इस पर कुछ अपडेट? ये अगर बात की जाए कि लोग किनको जिला प्रमुख बनता हुआ देखना पसंद करेंगे तो ये तो एक ऐसा सवाल होगा, क्योंकि जनता ने तो पहले ही तय कर दिया है कि BJP के पास 13 सीटें हैं और 13 जिला परिषद सदस्य यहाँ पर जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं BJP का जिला प्रमुख यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी और इस बार अगर वोटिंग की बात करें तो महिला और पुरुष कितने प्रतिशत वहां पर मौजूद थे जो वोटिंग देने आए थे, क्योंकि एक ना एक डर ओमिक्रॉन का भी था और इसके लिए सख्ती भी बरती गई थी, तो इस पर कुछ अपडेट? बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जिला निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पर वोटिंग करवाने का फैसला लिया था, मगर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 37% रहा है और वहीं पुरुषों का अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 30% पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज यहां पर देखने को मिला है। तस्वीरें आप साफ तौर पर आगे की भी दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से यहां पर
पुलिस का जाता यहाँ पर मौजूद है, वज्र और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैदी से है। अंदर की तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको जो जिला परिषद का जो कार्यालय है वहाँ की तस्वीरें दिखाए, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर के लिए यहाँ पर सभी को बैन किया गया है। और साहब ने आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाई हुई है, और उन बैरिकेडिंग के साथ ही अंदर भी अगर कोई पहुँचता है तो उसकी भी पूरी चेक इन होगी, और चेक इन के बाद ही यहाँ पर वो व्यक्ति जिला परिषद सदस्य है वोट डाल सकेगा, क्योंकि जिला प्रमुख का चुनाव होना है और क्रॉस वोटिंग का डर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को सता रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाते हुए यहाँ पर वोटिंग करवाने का निर्णय लिया है। जी जी इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र।